यहाँ कराची की आवाम के लिए एक इंतहाई जदीद मंसूबा, जिसमें कराची की आवाम अब उड़ के ट्रेन में सफर कर सकेगी। जंगल और ये हमारा इंतजार कर रहा होगा, ये शायद वो जो ट्रेन पे जो पटरियां पलटते हैं वो ये रहा, ठीक है, इसकी ड्यूटी लगाई गई है और किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई, ये हमारे ड्यूटी ऑफिसर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची गुलचन टाउन के इलाके 13D2 13D3 में। मेरे पीछे यहाँ पर आप एक जदीद अंडरपास देख सकते हैं, यहाँ पर KCR का मंसूबा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कराची की आवाम के लिए एक बेहतरीन सा, यहाँ पर मेरे पीछे की तरफ आप एक अंडरपास देख सकते हैं, जिसमें आप अब सफर करने के लिए तैयार हो जाएं। गुलशन इकबाल 13D में आने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि KCR का मंसूबा शुरू होगा, कब खत्म होगा, कब ये जदीद अंडरपास बनेगा और बनने के बाद हम इस अंडरपास में सफर कर सकते हैं। इस अंडरपास को दिखाने का मकसद कराची में चलने वाली ट्रेनों का, लोकल ट्रेनों का जो मंसूबा था वो अब तकरीबन तैयार हो चुका है और वो तैयारी इस तरीके की मुकम्मल हुई है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अंडरपास है, नीचे से गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जाने शुरू हो चुकी हैं, मगर अब ट्रेन जो यहाँ से ट्रैक बिछा हुआ था, यहाँ से ट्रेन चलेगी नहीं, अब उड़ेगी ट्रेन। उड़नी किस तरीके से है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ऊपर की तरफ जो है, ये ट्रेन चलने के लिए, ट्रेन आने के लिए एक ट्रैक यहाँ पर बनाया जा रहा था, नीचे से गाड़ियाँ चलनी थी, मगर अब होगा ये कि यहाँ पर ट्रैक तो है नहीं, ट्रेन उड़ते हुए आएगी और ऊपर की तरफ ट्रेन जो है ठहरेगी और फिर उसके बाद उड़ते हुए आगे की तरफ जाएगी। ये एक इंतहाई बेहतरीन जदीद मंसूबा जो शायद यहाँ पर कोई मुकम्मल नहीं कर सकता था, यहाँ कराची की आवाम के लिए एक इंतहाई जदीद मंसूबा, जिसमें कराची की आवाम अब उड़ के ट्रेन में सफर कर सकेगी। यहाँ पर अंडरपास तैयार हो चुका है, यहाँ पर वो ट्रैक तैयार हो चुका है जहाँ पर ट्रेन चलेगी। ट्रेन की मैं पटरियाँ जरा सा आपको दिखाता हूँ, आगे की तरफ चलते ट्रेन की पटरियाँ देखते हैं किस तरीके से अब जो है यहाँ पर ट्रैक बिछा दिया गया है और एक जदीद तरीका, यहाँ पर पटरियाँ नहीं होंगी, पटरियों के बगैर ट्रेन चलेगी, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। जा रहे हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, यहाँ से जो है ये रहा वो जदीद अंडरपास और ये रही वो पटरियाँ जिनको उखाड़ दिया गया है और अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये पटरी देखें आप, इस पटरी को उखाड़ दिए, अब मैं जाता हूँ ऊपर। ऊपर जो एक मंसूबा यहाँ पर तैयार किया जा रहा था और ट्रेन चलाने के हवाले से, अब हम देखेंगे एक इंतहाई खूबसूरत यहाँ पर इंतजामात कर दिए गए हैं, गाड़ियाँ नीचे से जाने शुरू हो गई हैं, अब यहाँ पर पटरियाँ ऐसे ही रखी हुई हैं ताकि लोगों को लगे कि ये एक KCR का मंसूबा है, मगर यहाँ पर अब जो है ये ट्रैक वगैरह तो बिछे नहीं है, सफाई यहाँ पर करवा दी गई है, अब यहाँ पे ट्रेन आएगी, यहाँ से ये KCR की ट्रेन आएगी, यहाँ से झाड़ियों के दरमियान से आएगी, थोड़ी सी झाड़ियों की तरफ चलते हैं कि अब जो है ट्रेन आनी है थोड़े बहुत दिनों में और जंगल से होते हुए आप सफ़र करेंगे, फिर उसके बाद जंगल के बाद जो है हम यहाँ पर हवाई जो है ट्रेन एक उसमें भी सफ़र कर सकेंगे। ये रहा जंगल, ये आपको दिख रहा होगा ये जंगल और ये हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, ये शायद वो जो ट्रेन पे जो पटरियाँ पलटते हैं वो ये रहा, ठीक है, इसकी ड्यूटी लगाई गई है और किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई। अब हम जाएंगे आगे, ये हमारे ड्यूटी ऑफिसर हैं, ये जो सामने ये ड्यूटी ऑफिसर हैं जिनको शायद यहाँ पर ट्रेन के इस मंसूबे के लिए बनाया गया है। अब यहाँ से ट्रेन उड़ते हुए आएगी, नीचे पूरा एक माहौल बना हुआ है और फिर उड़ते हुए ऊपर जाएगी, उड़ने के बाद उस तरफ जाएगी। ये ट्रैक यहाँ पर रखने का मकसद, एक दौर में यहाँ पर पुराने ज़माने का ट्रैक चलता था, अब यहाँ पर जदीद ट्रैक चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जदीद ट्रैक जो है, ये अंडरपास तो तैयार हो चुका है, अब कराची गिलानी रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पर जो बनने वाला अंडरपास था, लोगों के लिए सहूलियात यहाँ पर दी हुई है, आप पेशाब करना चाहें पेशाब करें, यहाँ पर सोना चाहें आप सो सकते हैं, यहाँ पर सफ़र करना चाहें तो सफ़र कर सकते हैं। एक जदीद चीज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे चलें जी।
जदीद आपको मंसूबा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और शायद इससे पहले आपने ऐसा मंसूबा देखा नहीं होगा। यहाँ पर आपको कहीं ट्रैक दिख रहा है? यहाँ से उड़ते हुए आएगी ट्रेन, यहाँ पे भी ट्रैक नहीं है, पटरियाँ जरूर यहाँ पर रखी हुई हैं, पटरियाँ रखी हुई हैं जनाब, ये पटरियाँ। अब कराची की आवाम को यहाँ पर डबल जो है ना, दो तरीके की सफर करने की सहूलियात मिल चुकी है। तेरेडी की आवाम यहाँ पर जो है नीचे अंडरपास से गुजरे, ट्रेन में उड़ के आए, और आगे भी एक यहाँ पर ट्रैक बनाया गया। अब आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैक का तसव्वुर यहाँ पर शायद आपको दिख ही नहीं रहा होगा। ट्रैक यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है, और KCR का मंसूबा यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। पीछे देखें, एक और रास्ता यहाँ पर दिया गया, यानी कि कराची की आवाम को मुतबादल देने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। एक रास्ते से काम नहीं चल रहा तो दूसरा रास्ता यहाँ पर अंडरपास की सूरत में तैयार कर दिया गया है। ये अंडरपास नहीं, आपको अच्छा लगता है तो दो कदम दूर आप आए, यहाँ पर जो है ये दूसरा तेरेडी का रास्ता एक और तैयार है। और अगर आपको उड़ने वाली ट्रेन में सफ़र करना है तो वो रहा उड़ने वाली ट्रेन का रास्ता, जिसमें हम जंगल से सफ़र करना शुरू करेंगे, और फिर हमारा यहाँ पर एक जदीद जो ख्वाब था वो यहाँ पर सिंध हुकूमत, फेडरल हुकूमत, FWO की जानिब से यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई व्यूज़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखाना ये कि कराची में बहुत काम हो रहा है।